हरियाणा सरकार ने समय समय पर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे सरकारी गाड़ियों की चाहत में घूमने वाले मंत्री एवं अफसर तो उसकी कहीं ना कहीं कमी भी महसूस होने लगी है। जी हां, एक ऐसा समय था जब जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जब विधानसभा एवं लोकसभा में पहुंचता था तो उसे सरकार द्वारा कई मूलभूत सुविधाएं दी जाती थी और उसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ लाल बत्ती की गाड़ी भी दी जाती थी। वहीं उच्च अधिकारियों की गाड़ियों पर भी लाल बत्ती लगी होती थी, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें सरकारी गाड़ियों से लाल बत्ती तो हटा दी गई है, जिसके बाद आज मंत्री एवं उच्च अधिकारियों की गाड़ी पर कोई भी बत्ती देखने को नहीं मिलती। शुरू में तो जब यह सरकार द्वारा फैसला लिया गया था तो काफी नेता एवं अधिकारियों को इसकी कमी खलती रही है। अब सरकार ने सरकारी गाड़ियों पर लगने वाले वीआईपी नंबरों को भी हटाने का फैसला ले लिया है। हरियाणा सरकार ने अपनी गाड़ियों में लगे वीआईपी नंबरों को सरेंडर करने का फैसला लिया है और उसे आमजन के लिए दिया है। हालांकि वीआईपी नंबर लेने का इच्छुक व्यक्ति नंबर की निर्धारित की गई राशि को वर्कर व भी वीआईपी नंबर अपनी गाड़ियों पर लगवा सकता है। अगर एक ही नंबर के प्रति एक से अधिक लोग लेने के इच्छुक होंगे तो उस नंबर का ई ऑप्शन के माध्यम से अधिक बोली लगाकर उस नंबर को प्राप्त कर सकता है। हरियाणा सरकार की 179 गाड़ियों पर 0001 नंबर की नंबर प्लेट है और अब इन सभी गाड़ियों से यह नंबर हटाए जाएंगे। हरियाणा में वीआईपी नंबरों की मांग को देखते हुए रिजर्व प्राइज 500,000 निर्धारित किया गया है। अगर एक से अधिक लोग इस नंबर के लिए आवेदन करते हैं तो फिर ई ऑप्शन के माध्यम से यह नंबर मिलेगा। वहीं 0002 और 0007 और 0009 नंबर का भी निर्धारित मूल्य 1,50,000 रुपए रखा गया है। वहीं 0003 से लेकर 0006 और 0008 नंबर का निर्धारित मूल्य 1,00,000 निर्धारित किया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत से मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल 0001 नंबर की गाड़ी से हुई है। बीते दिनों में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में शामिल सभी वीआईपी नंबरों की गाड़ियों के नंबर आम लोगों के लिए सिलेंडर करने का फैसला लिया। साथ ही मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी स्वयं अपनी गाड़ी का 0001 नंबर सिलेंडर कर दिया है। हरियाणा सरकार की 179 गाड़ियों पर लगे 0001 नंबर अब आम आदमी के लिए उपलब्ध रहेंगे। जो भी व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य अदा करेगा वह वीआईपी नंबर का हकदार बन सकेगा। हालांकि कुछ एक नेता एवं अधिकारी ऐसे फैसलों से तो ना खुश दिखाई देते हैं, लेकिन सरकार का फैसला तो सरकार का ही होता है।